हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड आई एम आल्सो वेरी गुड एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज अभी मैं आपको बताऊँ, अभी बज रहा है दिन का एक और मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ क्योंकि अपने घर पे आई हूँ, अपनी मम्मी के घर। तो मतलब कुछ ऐसा है नहीं, मैं आराम से सो रही हूँ, आराम से उठ रही हूँ। और आज मेरे घर का मेरा सेकेंड डे है तो मैं आपको अपने साथ पूरा दिन रखने वाली हूँ। तो अभी कुछ प्लान नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, बट मैं घर में नहीं रुक रही हूँ। मैं अपना दिन बर्बाद नहीं करूँगी। मम्मी और मेरी पूरी फैमिली, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर, हम सब घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये अभी डिसाइडेड नहीं है। दो तीन जगह हम लोगों ने ऑप्शन में रखी हैं। तो मेनली हम जाएंगे मूवी देखने। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, पूरा दिन आपको अपने साथ रखने वाली हूँ। एंड मिलते हैं अभी रेडी होके थोड़ी देर में आपसे। सो ये है मेरी मम्मी का किचन। मम्मी तो अब मेरे लिए मम्मी अब क्या बनाने जा रही हैं मेरे लिए? अंडा, अंडा बंद, बंद ऑमलेट बंद। और तो अब मम्मी जो बनाने जा रही हैं मेरे लिए, तो मैं ये खा के फिर तैयार होंगी, फिर मम्मी भी रेडी होंगी, फिर हम लोग निकल जाएंगे घूमने करने के लिए। तो ये बन रहा है मेरा बंद और ऑमलेट। बहुत दिनों के बाद अपनी मम्मी के हाथ का बंद और ऑमलेट खाने वाली हूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। तो मैं अभी टेस्ट करके आपको बताती हूँ ये कैसा बना है। ये देखिए थैंक यू थैंक यू। सो मैं पहनने जा रही हूँ ये वाला आउटफिट एंड ये रहा मेरा बैग जो मैं घर से वहाँ से पैक करके लाई थी, और अपनी दुकान मैं यहाँ भी साथ में लेके आई हूँ। हेयर इज़ माई मेकअप जो कि एसेंशियल है मेरे लिए। तो मैं सारा मेकअप यहाँ उठा के लाई हूँ, अभी रेडी होके आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। ओके सो गाइज, आधा आधा मैं रेडी हो गई हूँ, आधा आधा सब लोग रेडी हो गए हैं, बट एक प्रॉब्लम हो गई है। मेरी जो बहन है निधि, उसकी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है। तो हम लोग आधा आधा तैयार बैठे और अब पूरे घर में सारे लोग चाबी ढूंढ रहे हैं कि चाबी कहाँ खो गई है, कहाँ खो गई है। तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, इसीलिए अब देखते हैं क्या होता है, हम जा भी पाते हैं कहीं के नहीं। क्या हुआ? ये देखिए, ये पागलों की तरह चाबी ढूंढ रही है बेचारी, कहीं रख के भूल गई है और अब चाबी नहीं मिल रही है। सो आई एम रेडी, मैं रेडी हो गई हूँ। ये बैठी है मेरी मम्मी, ये भी रेडी हो गई हैं, उधर वो दोनों भी रेडी हो गए। अब हम लोगों का प्लान चेंज हो गया है क्योंकि लेट बहुत हो गया है। कितना बज रहा है? 7 बज रहा है शायद, 7 बज रहा है। तो अब हम लोग कोई मूवी वूवी देखने नहीं जा रहे हैं क्योंकि एक प्रॉब्लम हो गई थी, गाड़ी की चाबी मिस हो गई थी। तो फिर उसके बाद चाबी वाले को लेकर आए, चाबी बनवाई है, तो ये सब करने में बहुत टाइम निकल गया। तो अब प्लान चेंज हो गया है, प्लान नंबर बी हो गया है कि अब कहीं सिर्फ खाने खूने जाएंगे कुछ और मूवी नहीं जाएंगे। बताओ मम्मी। हाँ तो चलेंगे भी है, अभी जब चलना है तो दिखाना है ना, जब चलना दिखाना, अभी जब चलेंगे हम लोग ठीक है। ओके फिर मिलते। सो दैट्स द OOTD आउटफिट ऑफ द डे, ये मैंने पहना हुआ है। अभी थोड़ी लाइट कम है इसने ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। अभी बाहर जाके आपको अपना पूरा आउटफिट दिखा दूँगी। और हम लोग चल रहे हैं, अब निकल रहे हैं घर से बस। तो चलिए लेट्स गो, हम लोगों के साथ ये खड़े हैं महाराज जी। मम्मी निकली है जल्दी, लेट हो रहा है, आंखें ऐसे चमक रही, लेंस लगे, मम्मी के भी लग रहा है लेंस लगे हुए। लॉक कर दिए, वो स्लो मोशन कर रही है, स्लो मोशन में लॉक कर रही है। तो अभी हम लोग घर से निकल गए हैं और जा रहे हैं। मेरे पापा बाहर रहते हैं तो उन्होंने कुछ सामान भेजा है हम लोगों के लिए, तो अभी वो पिक करने हम पहले जा रहे हैं। तो वो पिक करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे जहाँ भी हमें जाना है। अभी पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, घर से तो निकला है
जब ये होता है ना टाइम शेड्यूल बिगड़ जाता है तब दिक्कत हो जाती है। फिर अभी पहले से प्री डिसाइडेड था कि हमें मूवी जाना है, लेकिन वो जो एक इंसिडेंट हो गया ना, चाबी जो खो गई, उसकी वजह से सारा प्लान गड़बड़ हो गया, लेट हो गया उसी में, और उसी में मूड भी थोड़ा सा ख़राब हो गया। तो चलिए देखते हैं कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल जा रहे हैं जो सामान पापा ने भेजा उसे पिक करने, और उसके बाद हम जाएंगे। जहाँ भी जाएंगे तो आपको अपने साथ लेके चलेंगे, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। मिलते हैं अभी आपके आपको थोड़ी देर में। तो भूख लग गई है बहुत ज़ोर से, क्योंकि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पे पूजा, बाकी काम पूजा बाद में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ये बताशे खाने, झांसी के मशहूर खाने की वजह से। ये हम यहाँ पर हैं क्लॉक टावर घंटा घर में, बस भूख लग रही है तो पहले बताशे खा लेते हैं फिर बाद में। तो यहाँ पर लग गई थी हम लोगों को भूख, तो एक ब्रेक लेने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम पानी के बताशे खा लेते हैं। मम्मी लोग ने पहले ही खा लिए थे, उसके बाद मैं और कैफ गए थे खाने। ये है हुसैनाबाद में क्लॉक टावर है, अगर आप लखनऊ से हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे, हिस्टोरिकल प्लेस है। तो यहाँ पर हम लोगों ने खाए पानी के बताशे, जो भी ओके ओके थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं थे, क्योंकि मुझे हज़रतगंज में जो जैन है वहाँ के पानी के बताशे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो ये ओके ओके थे बस। सो गाइज हम पहुँच गए हैं, ये क्या नाम है यहाँ का, अच्छा ये तो बोलता AYZ रेस्टोरेंट। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अनलिमिटेड फूड देंगे एट जस्ट 149 में। तो आइए रिव्यू करते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। ये वाकई ये दे रहे हैं कि अनलिमिटेड फूड? वैसे तो यहाँ वेज है सारा और हम तो नॉन वेजिटेरियन हैं, बट चलिए फिर भी देखते हैं कि ये क्या दे रहे हैं और क्या खिला रहे हैं, क्या सर्व कर रहे हैं ये 149 में। क्या रियली 149 में सच में ये मतलब अनलिमिटेड फूड दे रहे हैं, जो मर्जी है वो खा सकते हैं? तो आइए चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी, हम सब लोग बैठ गए थे, और ये फॉर्मेट कुछ गलत शूट हो गया था, तो बस मुझे वीडियो प्लेस करनी थी, सो प्लीज़ डोंट माइंड। एंड हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर मेन्यू चेक कर रही थी कि मेन्यू में हमारे पास क्या है। ये बस रुपीज़ एट 149 में, ये सिर्फ कस्टमर को बुलाने का तरीका है, बाकी इन्होंने सारी चीज़ें अलग मेंशन कर रखी हैं। अगर आप जो कुछ और चाहते हो तो वो ये आपको अलग ही देंगे। तो मैं यहाँ पर इनसे डिस्कस कर रही थी कि क्या है, तो हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल मंगाया वही 149 वाली थाली, कि देखते हैं उसमें क्या क्या ये हमें सर्व कर रहे हैं। सो ये हमने मंगवाया है एक प्लेट इनका जो 149 में ये दे रहे हैं, कि ये और एक ये दो प्लेटें अभी और मंगवाई मेरे और निधि के लिए। तो ये स्टार्टर है इनका, ये पनीर का है ना मम्मी? ये पनीर है, ये फ्राइड राइस हैं, और ये नूडल्स हैं। तो ये स्टार्टर है, ये खाने के बाद इसके बाद ये मेन कोर्स भी देंगे। तो चलिए देखते हैं, अभी मैंने अपने लिए भी मंगवाई है तो। और ये इनका बूफे सिस्टम है, यहाँ से ये दे रहे हैं सबको। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि जो फूड इन्होंने सर्व किया था वो मुझे बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लग रहा था। मैं ट्राई करने जा रही थी, देखते हैं कि ट्राई करने के बाद मुझे कैसा लगा। तो छोले, ये है मिक्स वेज, ये कढ़ाई पनीर, ये सैलड, और ये रायता, और ये राइस, बाकी ये रोटी रखी है। सब लोग खा रहे हैं, मतलब ओके ओके है, बस उतना ज़्यादा फूड डिलिशियस नहीं है जो कह सकते हैं आप। हाँ 149 में ठीक है, मतलब ऐसा कुछ लूट नहीं रहे ये लोग, ना ही हमें लगता है कि जो नहीं ज़्यादा खा पाते हैं वो लूट जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये एक मिनी रसगुल्ला भी ये दे रहे हैं, इतना छोटा रसगुल्ला है, ये तो पेड़ा लग रहा है छोटा वाला, रसगुल्ला तो कहीं से नहीं लग रहा है। और खाना भी मतलब 10 out of 2, 10 में से 2 मार्क्स देंगे इनको ये फूड के लिए। तो अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं लखनऊ में कोई नई जगह, तो प्लीज़ यहाँ मत ही आइएगा, क्योंकि फ़ूड तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम लोगों ने 149 पे करके
₹50 का भी खाना नहीं खाया होगा। ये सब्ज़ी कढ़ाई पनीर टेस्टलेस है, बिल्कुल बकवास है। ये सब्ज़ी भी मतलब सारी चीज़ें एवरी थिंग सब बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं लगा खा के। इसके लिए आ सकते हैं, ये तो आप अपने नज़दीकी दुकान से भी परचेस कर सकते हैं। इसको ले खाने के लिए पीने के लिए आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे तो खाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। अगर आपको फिर भी आना है, अलीगंज में पड़ता है ये AYZ रेस्टोरेंट, 147 रेस्टोरेंट सॉरी। तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल ही मतलब नेगेटिव ही है इनके लिए सारा रिस्पॉन्स, टेस्टलेस खाना। एक ये है कि सर्च करने आए थे कुछ नया। मम्मी कैसा लगा खाना आपको? मम्मी को भी अच्छा नहीं लगा, किसी को खाना नहीं अच्छा लगा, फूड में टेस्ट ही नहीं है बिल्कुल। पैसे चले गए, बर्बाद हो गए पैसे सारे। रास्ता भूल गए हम लोग, मैप के थ्रू भी भटक गए थे। सहारागंज मॉल लगाया था कि चलो वहाँ से घर मालूम है वहाँ से चले जाएंगे, तो वो लगाया, वो भी इतनी गलियों गलियों गलियों, और इतना डर गए हम लोग, स्कैम हो गया हम लोगों के साथ। बताइए, पीछे ये बस वाले भैया इतना पोपो कर रहे हैं। और अब हम लोग वापस डालीगंज पहुंच गए थे, पता नहीं कौन से रास्ते से उसने डालीगंज में फेंक दिया था। तो अब हम लोग फिर से जा रहे हैं सहारागंज, क्योंकि सहारागंज ज़रूरी है घूमना, क्योंकि कुछ घूमा नहीं है, मूड पूरा ख़राब हो चुका है। जो दिन का शेड्यूल जो हम लोगों ने सोचा था कि ये करेंगे वो करेंगे मस्ती करेंगे, तो सब कुछ स्पॉइल हो गया, कुछ भी मज़ा नहीं आया, बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। तो फिर से प्लान चेंज हो गया है, अब हम लोग सहारागंज नहीं जा रहे हैं, अब हम लोग आ गए हैं गज़ल की आइसक्रीम खाने। तो आज का दिन ही पूरा ऐसा है कि प्लान चेंजिंग डे है आज, प्लान ही चेंज होता जा रहा है। समझ लीजिए, हम लोग गज़ल बताया ना, हो सकता पता ज़रूरी नहीं गज़ल की आइसक्रीम हो सकता है कि हम लोग बदल जाए। नहीं नहीं, आप फाइनली ये आइसक्रीम यहाँ के खाने जा रहे हैं और उसके बाद सीधा हम लोग चले जाएँगे घर। तो आइए दिखाते हैं आपको कौन कौन सी आइसक्रीम मिलेगी। वो सबसे सबसे ऊपर वाला, ये रेड वाला, ये हेज़लनट। अच्छा, आप एक चॉकलेट वाला कर दीजिए। ये मेरा है, ये तो अच्छा। मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन सा, इतने सारे फ्लेवर हैं इनके पास। गाइस, हमारा प्लान फिर से चेंज हो गया, हम लोग ये डार्क चॉकलेट और एक ये भी ये तो गलत बात है। तीन वाला मेरा भी सो हम लोगों ने अब आइसक्रीम भी खा ली और जितना घूमना था उतना घूम लिया है। बस अब हम लोग थके हैं, बस अब हम घर जा रहे हैं अपने, और पानी ढूंढ रहे हैं। और हाँ, प्यास लग रही है तो हम पानी ढूंढ रहे हैं कि कहीं पानी मिल जाए तो पानी पी लेंगे। तो आज का दिन बड़ा और मज़ा नहीं आया उतना, बस थोड़ा बहुत मज़ा आया, ज़्यादा मज़ा नहीं आया। जितना सोच के गए थे। आज का व्लॉग आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, क्योंकि नया नया चैनल है और मतलब अच्छा लगता, अच्छा कंटेंट नहीं आ रहा है, लेकिन आप बने रहिएगा, फ्यूचर आएगा। और ये ऐसा है कि मैं अभी शूट कर भी नहीं पाती, कितनी चीज़ें मिस हो जाती हैं मुझसे, तो धीरे धीरे मैं चीज़ों को ग्रैब करूँगी, सीखूँगी और आपके साथ अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करूँगी। मैं बस ये चाहती हूँ डेली टू डेली अपना व्लॉग जो है वो अपलोड कर दूँ और शूट करूँ। तो आज का तो मेरे पास डेटा भी हो गया है और आज व्लॉग कम्प्लीट कर लिया है मैंने। तो अब कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, मुझे देखते रहिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। तो स्टे ट्यून, बाय बाय, देखिए ध्यान रखिएगा, बाय बाय।